Good morning, good morning everyone. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यस थ्रोट इज ओके बट एज यू नो डेली पोल्यूशन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज सो टूडे सेवेंथ ऑफ नवंबर दैट इज योर सैटरडे सो द हिंदू डेली हिंदू एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस फॉर टुडे पावर्ड बाय अकेडमी आर्टिकुलेट सो अ मॉर्निंग कोर्ट सो बींगप्पी डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट नथिंग कैन एवर बी परफेक्ट अगर आप परफेक्शन के लिए एम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है बट ये जान लेना कभी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी तो इसलिए हैप्पी रहना जरूरी है और हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट है सब चीज़ सेट अबस उसका मतलब यह है कि आपने इम परफेक्शन के बियॉन्ड देखना चालू कर दिया है आपको भी पता है कि सर्टेन लिमिटेशंस हैं एक लिमिट होती है जहां तक चीज़ें हो सकती हैं कर सकते हो बाकी सब आप फिर छोड़ दो सो यू ट्राई योर बेस्ट गिव योर बेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट करना छोड़ दो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव बियॉन्ड योर इम्परफेक्शन एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स दैट दे आर सम थिंग्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड ऑफकोर्स ट्राई टू यू नो यू नो यू कैन ट्राई टू ब्रिंग एम अंडर कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल बट सम थिंग्स विल बी देयर जो आपके बियॉन्ड होगी सो फॉर दैट बींग हैप्पी बींग लाइक दिस स्माइली फेस बींग चेयरफुल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ठीक है क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे हैप्पी रहोगे तो एवरी थिंग विल वर्क परफेक्टली चलिए हाँ अगर हैप्पी नहीं रहोगे तब शायद चीज़ें परफेक्ट ना हो हैप्पी रहने से आप थोड़ा परफेक्ट रहने लग जाओगे चलिए तो आज है सात नवम्बर दस बजे आपको पता है जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे या फिर इस एनालिसिस में उन लोगों के लिए Uh, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये डेली न्यूज़ अनालिस एंड करंट अफेयर समरी है फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो एंड उसके बियॉन्ड जो अभी हमें लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं फ्रॉम अदर न्यूज़ पेपर्स वी कवर इट दैट एज वेल सो ये हर सुबह मंडे टू सैटरडे दस बजे से लेकर ग्यारह बजे एक घंटे का अनालिसिस होगा पावर पैक्ड एनालिसिस पावर पैक्ड एनालिसिस इन मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू आपका जो पावर पैक्ड बिगिनिंग्स होती हैं ऑफ़ द डे फॉर दैट यू कैन रेफर टू दिस बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल दी हुई है यू कैन ऑल्सो यू नो चेक आउट माई प्रोफाइल फॉर अमेजिंग कोर्सेज ऑन एन अकेडमी बाकी दर स्टिल ऑन वे आर हायरिंग इन टंस यू कैन यू मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम दैट इज डी सिंग टू सेवन आई बेसिकली शेयर यू नो शीट एक गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है आप लोग उसमें उसको फिलअप करके अपना इंटरेस्ट अगर आप लोग को है फॉर दिस इंटर्नशिप पोजिशन विच हैज़ गॉट गुड इन सेंटि ऑल्सो सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट सो दैट टेलीग्राम चैनल इज दि पांशु सिंह ऑफिशियल सो जस्ट गो टू टेलीग्राम टाइप दिपांशु सिंह ऑफिशियल उसमें आपके जो चैट सेक्शन है उसमें आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा तो आज दो एडोरियल हैं एक है एलिमिनी गाइडलाइंस को लेकर जो आपके हिंदू में आया है और दूसरा जी एस टी को लेके आया है रिगार्डिंग जो जी एस टी लगाया गया है ऑन यू नो ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स तो उस चीज़ को लेके कोर्ट में केस हुआ है एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई है कि वाई दे आर आर लेस साइक्लोन्स इन अक्टूबर दिस ईयर जनरली आप देखोगे हर साल अक्टूबर में साइक्लोन आता है तो इन सब चीज़ों को देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट दैट ऑफकोर्स दैन वी हैव हैवर अदर न्यूज आइटम्स ऑल्सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल फॉर टुडे द फर्स्ट इज एलिमिनी गाइडलाइंस तो जैसा कि आपको पता होगा हमने इसको कल भी डिस्कस किया था परसों भी इसका थोड़ा रेफरेंस आया था रिगार्डिंग चेंजिंग इन एलमिनी तो अर्ली एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉज इज़ अ मस्ट टू प्रोटेक्ट द डिपेंडेंट वुमेन तो अभी तक आपको पता था कि क्या होता था एलमिनी रिलेटेड केसेज में कि जब भी डिवोर्स केसेज होते हैं तो उसमें जो एलमिनी होती है एक तरीके का मेंटेनेंस जो होता है वो जब केस सेटल हो जाता है उसके बाद दिया जाता था बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक बार ये केस आ गया और क्लेम फाइल हो चुका है तब से बना जो है आपको मेंटेनेंस देना जरूरी है हस्बैंड को और हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों अपना एसेट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जिसको हम डिस्कस करेंगे जैसे कोर्ट ने बोला कि जो अगर जो जो वाइफ है अगर शी इज़ नॉट अर्निंग एंड एंड शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट तो जो उनका पुराना लाइफ था उसी लाइफ के अकॉर्डिंग एलिमनी देनी पड़ेगी मैंटेनेस बनेगा और हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास एसेट नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा उसके लिए दोनों को एसेट डिक्लेयर करना पड़ेगा इफ द वाइफ इज वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट तो दोनों लोगों को एसेट डिक्लेयर uh, uh, करना पड़ेगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट की कितना एलिमिनी देना है सो इन इंडिया मेनी गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल आफ्टर मैरिज बिफोर कंप्लीशन ऑफ आई एजुकेशन दिस ट्रिगर्स अ स्टेट ऑफ पुअर मेटरनल हेल्थ इन इज वन ऑफ द रूट काजेज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन इंडिया सो दिज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरेज नॉट वर्किंग आउट फॉर वेरी रीजन लीविंग द गर्ल और यंग वुमेन विथ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस अब देखो ये अर्ली चाइल्ड मैरिज और डिवोर्स का लिंक क्या है एक तो अर्ली चाइल्ड मैरिज से क्या है द चाइल्ड इज ये हमने कल इंडियन सोसाइटी के कोर्स में आपने देखा होगा डिस्कस किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कल ही हमने डिस्कस किया इसके बारे में जो लोग इंडियन सोसाइटी का कोर्स देख रहे हैं तो आफ्टरनून थ्री पी पे कि अर्ली चाइल्ड मैरिज हैज इज ओन कॉन्सिक्वेंसिस फ्राम अदर फैक्टर्स लाइक एजुकेशन ठीक है उनकी जॉब बट उससे ज्यादा उनके फिजोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स एक तो क्या होता है कि यू नो इट इज़ अ वेरी प्रेगनेंसी यू नो इज़ एसोसिएट विद अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस तो जितना जल्दी शादी होगी उतना ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस हैं और अगर uh, जो फीमेल हैं जैसे रूरल एरियाज में अगर मेल नरिश्ड हैं या अंडर नरिश्ड हैं तो इन्फेंट मोटेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट के चांसेस काफ़ी ज्यादा इंडिया में डबल या ट्रिपल हो जाते हैं ये भी एसोसिएटेड रिस्क है नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट आप मानो कि ऐसा हो जाए कि डिवोर्स हो जाए सो देन द गर्ल इज नॉट ऑल्सो एजुकेटेड क्योंकि अर्ली जल्दी अर्ली मैरिज हो गई ठीक है प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुई सो दिस माइट जस्ट रिजल्ट इन अ डिस्ट्रेस एंड शी माइट नॉट भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो पार्लियामेंट द कोर्ट्स हैव इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू गिव वेमन बेटर राइट सो क्या 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 किया है पार्लियामेंट ने आर्टिकल फिफ्टीन थ्री आपको बताया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सो इट स्टेज एड नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वेमन एंड चिल्ड्रन और इसको रीड किया जाता है किसके साथ आपके आर्टिकल थर्टी नाइन के साथ विच डायरेक्ट्स द स्टेट टूवर्ड्स इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ वैन एंड वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर टू की कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड कल इनफैक्ट रात को बड़ी इंटरेस्टिंगली हम लोग पॉलिटी की क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इंटरप्रेट किया जाता है तो उसको कई सारे पार्ट्स के साथ रीड किया जाता है अगर उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रेफरेंस है अब वुमेन रिलेटेड इशूज जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है वुमेन को सेफ गार्ड करना वुमेन के बारे में वेलफेयर के बारे में सोचना वो आपका डी पी एस पी का भी पार्ट है एंड इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एफ डी में भी आता है बट ड्यूटी का स्टेट से रहना देना नहीं वो हमारे लिए ड्यूटी है तो आर्टिकल फिफ्टीन थ्री क्लॉज थ्री रेड विद आर्टिकल थर्टी नाइन मेक्स अ प्रोविजन फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज एंड आस्क द स्टेट और द गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड ऐसा करने को डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा अगेंस्ट दी अदर जेंडर बिकॉज ये स्पेशल क्लॉज डाला हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दैट द स्टेट शुड है मेक एन एंडेवर टू यू नो टू डू एवरी थिंग टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन तो ये वायलेशन नहीं माना जाएगा ठीक है जी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले चीज तो आर्टिकल फिफ्टीन थ्री में दिया हुआ है उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब ये जजमेंट दिया ऑन दीज टू आर्टिकल्स वाइल हियरिंग अ डिस्प्यूट बिटवीन अ मुंबई बेस्ड कपल एंड सेट डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन एलेमनी द कोर्ट रूल दैट एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन विल बी एन्टाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट शी अप्लाइज इट इन फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जिस दिन केस आ गया उस दिन से मेंटेनेंस का क्लॉज चालू हो जाएगा उस दिन से हस्बैंड को अगर वाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है सो ही हैज टू गिव मनी एंटाइटलमेंट जो जो बेसिकली अब एलिमनी है जो मेंटेनेंस का पैसा है उन्हें देना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्योंकि कई बार क्या होता है केसेस एक साल दो साल चलते रहते हैं और बेचारी अगर वाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है और उनके पास कोई सोर्स ऑफ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो उनकी सिचुएशन काफ़ी खराब हो जाती है तो सिक्सटी पेज का जजमेंट था जिसमें बेंच ऑफ जस्टिस इंदू मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी जो है इन्होंने हाईलाइट किया था रीजनेबल नीड्स ऑफ अ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेदर शी हेज़ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड इफ शी डज इट इज टू फॉलो फैमिली कोर्स मैज एंड कोर्ट्स ऑन एलमिनी केसेस उन्होंने बोला कि ये बहुत जरूरी है देखना कि क्या जो रीजनेबल जो नीड्स हैं मतलब ऐसा नहीं कि वो लग्जरी में चाहती है वो जो जो महिला है जो बीवी है आपकी उसको रीजनेबल नीड्स तो चाहिए कि वो एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट तरीके से थोड़ा रह पाए और उसके ऊपर बच्चे भी डिपेंडेंट हैं तो उस, उनके उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों की मतलब मदर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों के एजुकेशन का क्राइटेरिया उनकी उनकी चीज़ों का ध्यान रखना और क्या उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं ये भी देखा जाएगा उसके बाद देखा जाएगा वेदर इट इज सफिशियंट कि कितना देना है एलिमनी कितना मेंटेनेंस देना है ऑल्सो द कोर्ट लेड डाउन दैट वाइल वमन कैन मेक क्लेम फॉर एलिमनी अंडर डिफरेंट लॉज इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वेमन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ द सर पी सी और अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इट वुड बी इन इक्व्यूटल टू डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस अंडर ईच अर प्रोसीडिंग्स अर्जिंग सिविल एंड फैमिली कोर्ट टू नोट टू एक नोट ऑफ प्रीवियस सेटलमेंट तो उन्होंने बोला कि कई सारे क्लाजेज आप देखो इंडिया में वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं तो उसमें बोला कि कोर्ट uh, में बोला दैट द ऑनरेबल जजेस सर कि आप चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ले सकते हो या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ले सकते हो बट डोमेस्टिक वायलेंस में थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और ज्यादा क्लॉजेस लगाने से क्या होगा कि ये थोड़ा हस्बैंड के लिए भी अनफेयर होगा तो आप किसी एक के अंदर ले सकते हो बेटर होगा अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट आप लगा के अब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है कई बार उसका मिसयूज भी होता है इंडिया में ठीक है टू क्लेम एक तरीके से एक्सटॉर्शनिस्ट टेंडेंसी भी हो गई है आजकल इंडिया में कि जबरदस्ती डोमेस्टिक दुमस्त, वायलेंस का भी केस लगा दिया जाता है डाउरी का केस लगा दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है अच्छा इसमें मैं आपको एक, एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ कई बार क्या होता है सब में नहीं होता कई बार क्या होता है कि आजकल कुछ ऐसे गैंग्स भी ऑपरेट करते हैं वो क्या करते हैं लड़कियों की शादी करा देंगे किसी फैमिली में और फिर अगले दिन लड़की बोलेगी कि मैं तुम पे डाउरी हेरासमेंट का केस कर रही हूँ नहीं तो मुझे इतने पैसे दो अब आप नहीं दोगे तो वो डाउरी का केस लगा देगी चलो किसी भी तरह कुछ बच भी जाते हो तो फिर वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देगी किसने मुझे मारा पीटा ये लोग मेरे घर वाले मारते हैं अगले दिन शादी की क्योंकि डाउरी दे मांग रहे थे इस हमने डाउरी दी नहीं ये ना एक्चुअली बिजनेस बन गया एक और ये बहुत जगह होता है और इसके बाद मतलब आप देखो इंडिया में न्यूमरस केसेज हैं जहाँ पर इसका मिस भी होता है तो कोर्ट ने इसका भी कॉग्नाइज लिया इसलिए कोर्ट ने बोला कि देर आर मल्टीपल प्रोविजन अंडर विच यू कैन क्लेस अ क्लेम एलिमिनी एंड मेंटेनेस बट दैट डज नॉट मीन की हस्बैंड इज लाइबल बिकॉज देन यू नो हस्बैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप उसको इट वुड भी इन इक्यूडेबल टू डायरेक्ट द हस्बैंड टू मेंटेनेंस इन दो क्लॉज अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग्स सो द कोर्ट ऑल्सो नोटेड हाउ एन ऑर्डर और डिग्री ऑफ मेंटेनेंस मे बी अंडर वेरियस लॉज एंड सेक्शन सी आर पी सी

उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ों को देख के आपका डिसाइड होगा और करंट सिचुएशन क्या है कि भाई देखो जल्दी उनको मैरी कर दिया जाता है इस वजह से उनकी मेटरनल हेल्थ एंड अदर सिचुएशन एंड अदर एस्पेक्ट्स आर हैज बी केयर ऑफ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की देर आर मल्टीपल प्रोविजन थ्रू विच यू कैन क्लेम alimony, बट कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा मैंने बताया केसेस काफ़ी सालों तक ड्रैग होते रहते हैं और उससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिवेंट द वुमेन इन इंडिया फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेस्टिट्यूशन एंड वेग्रेंसी कि वो डेस्टिट्यूट टाइप हो जाए बिल्कुल ही मतलब सड़क पर आ जाए वैसी हालत नहीं होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ दैम हैव नॉट इवन कम्प्लीटेड दैर एजुकेशन और वो आपकी शादी हो गई है एंड बाद में डिवोर्स हो जाता है तो उनके पास ज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम रहता है, नहीं है जॉब उनके पास कुछ होती नहीं है तो वी इन इंडिया हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग दीज वूमेन ठीक है तो ये आपका पहला ड्यूटोरियल था बाकी सेकंड एंड पे आने से पहले एक बार इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है उसको जरा डिस्कस कर दे एक्सप्लेन सेक्शन आता है इंडियन एक्सप्रेस में उसमें बताया गया कि वाई डिट साइक्लोन्स गिव अ मिस इन अक्टूबर अब आपको पता है कि इंडिया में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का पीरियड है उसको मैं थोड़ा ऐसा समझाता हूँ तो जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है ठीक है ऐसे जा रहा होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून तो बे ऑफ बंगाल ना तब तक बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका होता है एक्चुअली क्या होता है साइक्लोन्स को आने के लिए यूनिटर ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है और ये बहुत बड़ा पानी है बहुत बड़ा पानी का एरिया बे ऑफ बंगाल और वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता है ज़्यादा होती है तो पानी को गर्म होने में टाइम लगता है तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता तब तक ये पानी उतना गर्म नहीं हो पाता और भी काफ़ी सारी कंडीशन चाहिए होती है उसके लिए लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में मैं अपने जोग्रफी कोर्स में बताए हुए हैं यू कैन वॉच दिस जोग्रफी कोर्सेज ऑन अकेडमी प्लस बाय सब्सक्राइबिंग टू द कोर्सेज तो ये जो सबसे बड़ा, तो बड़ा फैक्टर है वो है हमारा मेजर सोर्स सोर्स क्या है पानी तो पानी जब तक गर्म नहीं होगा तब तक आपका साइक्लोन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव से सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए पानी का फॉर फॉर द लेवल टू तो रीच फॉर यू you नो know, साइक्लोन के लिए क्योंकि लेट एंड हीट चाहिए होता है रिलीज करने के लिए अब ये क्या हुआ कि पानी अगर गरीम गर्म नहीं होगा इतना तो ये यहाँ से जनरेट नहीं होगा अरेबियन सी में क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज छोटी वाटर बॉडी है बट अरेबियन सी में बाकी फैक्टर्स फिट नहीं बैठते लाइक अपर एयर डाइवर्जेंस हो गया ठीक है वीक विंड शेयर हो गया एंड सिमिलरली एग्जिस्टिंग वीक डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है तो ये सब चीज़ों के होने की वजह से आपका अरेबियन से ज्यादा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है स्पेशली ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून बट इस बार क्या हुआ है कि आपका ला नीनिया कंडीशन आपने सुना होगा न्यूज में आ रहा है आजकल ला नीना एंड ला नीनिया डेवलप हुआ है जिसकी वजह से वाटर थोड़ा कूल डाउन हो गया यहाँ का अब वाटर कूल डाउन होने से क्या हुआ कि यहाँ पे वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया कि साइक्लोन बन पाए सो द मोस्ट फेवरेबल मंथ फॉर द साइक्लोन डेवलपमेंट इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इज अक्टूबर हाउ दिस साइक्लोन्स हैव गिवन अ मिस सो अबाउट एटी साइक्लोस आर फॉर्म्ड अराउंड द वर्ल्ड एनवली आउट ऑफ विच फाइव आर फॉर्मड इन बेऑफ बंगाल एंड द अरेबंसी जिसको हम नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन बोलते हैं अच्छा साइक्लोन की नेमिंग जो है वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई एम डी को दिया हुआ है बट मतलब अराउंड थर्टीन कंट्रीज है आसपास जो आपकी नाम सबमिट करती हैं जिनसे एक पूरे चार्ट में टेबल में नाम ले लिया जाता है और एक ऑर्डर में फॉलो टे, टेबल, टेबलर मैनर में ऑर्डर को फॉलो किया जाता है फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द साइक्लोन सो साइक्न इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन आर बाई मॉडल नेचर एंड मंथस ऑफ मे एंड नवम्बर आर मोस्ट कन्ड्यूसिव फॉर साइक्लोन तो क्या होता है जनरली मई और नवम्बर तो so, इसमें सबसे ज्यादा आते हैं दो बार ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इं इंडिया में साइक्लोन आने के मे में आते हैं थोड़े समर टाइम के बट उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि आपके Uh, आप देखोगे नवंबर मंथ होता है क्योंकि पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है सो प्रीवियलीक्टी ट्वेंटी तो आई एम डी ऑफिशिय ने इस बार बोला है एट्रीब्यूटिंग टू द वीक लानि कंडीशन अलॉन्ग द इक्टोरियलिफिक कूलर दैन नॉर्मल सी सर्फिस टीजन टर्म डेज ऑगस्ट दिस ईयर अब इसमें एक और फिनमिना है जिसको हम बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक्चुअली एक, सर्क, एक सर्क, जो है, आप, सर्कम uh, नेविगेटिंग करता है आपका क्लाउड का सिस्टम होता है जो पूरा इन्सर्कल करता है इक्वेटर और आसपास के रीजन में तो उसमें क्या होता है उसमें भी दो फेजेस होते हैं मैडन जुलियन ऑसिलेशन में क्या होता है एक होता है कन्वेक्टिव फेज और एक होता है सप्रेसिव फेज तो ये क्लाउड का सिस्टम होता है जो इक्वेटर के आसपास घूमता रहता है तो जब कन्वेक्टिव uh, फेस आता है तो तो ज्यादा बारिश होती है सप्रेसिव फेज आता है तो आपका बारिश रुक जाती है सो बिकॉज मैडन जुलियन और ऑसिलेशन ऑसोलेशन वॉज ऑल्सो पोजिशन फेवरेबल फेज The low pressure system intensified maximum up to a deep depression. MJ is a kind of eastward moving cyclical weather event along a tropic that influences rainfall, wind, sea surface temperature. So they have a 30 to 60 day cycle. Most importantly, there was a high wind shear noted between the different atmospheric levels last month. The vertical wind shear created due to significant wind speed difference observed between higher and lower atmospheric levels prevented the low pressure system and depression from strengthening into a cyclone. तो लानीना क्या करता है लानिना हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि बारिश हमारी अच्छी होती है ठीक है लानीना कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लानीना में यहाँ पे वार्म है तो यहाँ पे थोड़ा पानी कंपैरेटिवली कूल हो गया बट हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके लिए बड़ा अच्छा होता है लानीना लानीना इज़ वेरी गुड फॉर साउथ वेस्ट मानसून बट नॉर्थ ईस्ट मानसून में थोड़ा जब आता है तो डिस्टर्ब कर देता है अच्छा दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है इसका अगर अच्छा पॉजिटिव फेज़ आ जाए तो हमारी बारिश के लिए अच्छा होता है बट अगर इसका नेगेटिव फेज़ आ जाए तो अच्छा नहीं होता अब क्या है मैडेजुल ऑसोलेशन भी था ला लानिनिया भी था और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया विंड शेयर विंड शेयर क्या होता है हर लेवल पे हर एक हाइट पे विंड की स्पीड अगर डिफरेंट वेरी कर रही है तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाएगा क्यों नहीं बन पाएगा उसका रीज़न सिंपल सी एक बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर आप कभी स्ट्रक्चर देखोगे साइक्लोन कैसे बनता है यहाँ से जो है आपकी एयर राइज करती है लो प्रेशर बनता है ग्राउंड लेवल पर ठीक है और ऊपर जाके वो कूल cool करना चालू होता है तो ऐसे क्लाउड सिस्टम बनते हैं अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन ऐसा होता है तो बीच बीच में जो है हवा हवा जो है वो वो आपकी सिंक करती है और सिमरलर छोटे छोटे छोटे, -छोटे पॉकेट्स के आपके यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता जाता है तो आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का अब अगर यहाँ पे विंड स्पीड मान लो अलग है यहाँ पे विंड स्पीड अलग है यहाँ पे विंड स्पीड अलग है यहाँ पे अलग है तो ये आपका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा सो so, जब यह स्ट्रक्चर नहीं बन पाता तो इस वजह से ये आपका क्लाउड का सिस्टम डिसिपेट हो जाएगा और यही ऊपर जो हवा आती है ये आपकी घूमना चालू हो जाती है और ये सिंक करके फिर वापस यहाँ पे आती है लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है पूरा सिस्टम बन जाता है तो अगर विंड स्पीड जो है जिसको हम विंड शेयर बोलते हैं एट डिफरेंट लेवल्स इफ़ इट इज़ नॉट सेम एट ऑलमोस्ट ऑल द लेवल दिस सिस्टम विल नॉट डेवलप इट विल बी ब्लोन अवे दिस सर एंड मैम हैज रिजल्टेड इन द लो साइक्लोन इन अक्टूबर मंथ दिस ईयर

उसको वो सप्रेस कर देगा तो अब मैडन जूलियन आउसोलेन का नेगेटिव फेज आ गया है इंडिया के ऊपर तो नवंबर में नहीं बनने देगा तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आपको और डिटेल में समझ में आएगा ये क्योंकि कोर जोग्राफी का टॉपिक है तो जब आगे मेरा आप कोर्स अटेंड करेंगे फिजिकल जोग्राफी का एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है एक नया कोर्स आने वाला है तो आपको ये सब चीज़ें दो लेक्चर लगते हैं इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने में साइक्लोन से लेकर मैडन जूलियन लालीना एन एलिनो बट एक बार समझ में आ जाएगा उसके अलावा एक और भी फैक्टर होता है जिसको हम इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं और इक्विनू भी बोलते हैं ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं तो इंडियन मानसून अब उतना सिंपल रहा नहीं पहले बहुत सिंपल हम लोग सोचते थे कि होता था कि बारिश पानी लैंड हीटअप होगा यू नो एयर अट्रैक्ट होगी विंड अट्रैक्ट होगी बारिश हो जाएगी वो ओल्ड मॉडल था नए मॉडल में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे मॉनसून से लेके साइक्लोन को ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं ठीक है चलिए उसके अलावा व्हाट्सएप पेमेंट जो है ये इंडियन यूज़र्स के लिए अलाउ कर दिया गया है इसका अप्रूवल आ गया है एन से अब तो देखो कंपटीशन बढ़ रहा है अब ना गर्मी बढ़ रही है इस मार्केट में अभी गूगल पे और पेटीएम को लेकर लड़ाई हुई अब व्हाट्सएप पे भी आने वाला है सो एन पी हैज़ गिवन नॉट टू फेसबुक ओन व्हाट्सएप टू गो लाइव फॉर यू सर्विसेज एंड द कप हैज बीन सेट फॉर यूजर बेस ऑफ ट्वेंटी मिलियन यूजर्स विच विल बी रिव्यूड ए लेटेस्ट स्टेज ऑफ एन 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 पीसीआई बाई द एन पी आई on एवर वाट्सएप विल सब्जेक्ट टू अ कैप ऑन ट्रांजेक्शन कंडक्टर तो ये कल एक नया रूल आया आपने देखा होगा यू पी आई का को लेके इन्होंने एन पी ने एक इशू किया है कि अब जितने भी टोटल ट्रांजैक्शन हुआ करेंगे यू पी आई में उसमें थर्टी परसेंट कैप कर दिया जाएगा इन प्लेटफॉर्म से तो इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप थर्टी एक दिन के हिसाब से एंड उसमें व्हाट्सएप पर भी कैपिंग लगाई जाएगी ताकि ज़्यादा ज़्यादा ये क्योंकि मार्केट शेयर इनको मिल जाएगा फिर हमारा भीम और बाकी सबका क्या होगा तो जो थर्ड पार्टी हैं जो अपार्ट फ्रॉम भीम बीमन यूपीआई पेमेंट पर कैपिंग की जाएगी सो इंडियाज़ यू पी आई इको सिस्टम इज फ्लडेड विद न्यूमरस प्लेयर्स इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विस लाइक अली बाबा बैग पे टी एम फ्लिपकार्ट फोन पे गूगल पे अमेज़ोन पे अदर्स 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 तो अब क्या हो गया व्हाट्सअप भी आ गया अब इस मार्केट में अब व्हाट्सएप के पास इनहेरेंट एडवांटेज है क्योंकि हर कोई व्हाट्सऐप यूज़ करता ही करता है मोस्ट मतलब आप देखोगे इंडियंस यूज व्हाट्सऐप तो बहुत बड़ा मार्केट बेस तो उनके पास ऑलरेडी है सो व्हाट्सएप हैज बीन ऑरेंटेड इन द स्पेस विद वन मिलियन कस्टमर कैफ फॉर द लास्ट टू ईयर्स एंड क्लियर फ्रॉम एन एन द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कैन स्केल इट्स प्रेजेंस इन अ सेगमेंट दैट इज कंट्रोल इन मेजोरिटी बाई जस्ट टू प्लेयर्स सो व्हाट्सएप दिस एक्सपेंडर एक्सपेंडेड यूजर बेस मीन्स इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी टाइम्स बीस गुना इनका बढ़ जाएगा यूजर बेस अब इसमें सेफ्टी कंसर्न भी हैं ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सो हावर द जर्नी ऑफ यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस हैज बीन स्मूथ व्हाट्सएप वाज सब्जेक्टेड टू वेरियस डिमांड्स फ्रॉम दिस एंडिटिटी सच एज डेटा लोकलाइजेशन प्रेजेंस ऑफ लोकल ग्रीवेंस ऑफिसर एंड हैविंग डोमेस्टिक ऑफिसर इनको बोला गया कि भाई देखो एक ही कंडीशन में अलाउ करेंगे आपको लोकल सर्वर पर डेटा सेव करना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया में आपको एक ऑफिसर चाहिए जो आपके इतने का मान लो कुछ पेमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया तो कौन देखेगा अभी यूएस थोड़ी जाएगा कोई देखने के लिए तो डोमेस्टिक ऑफिस भी खोलने पड़ेंगे and the company was me able to meet the data localization rule issued by the RBI as per audit report WhatsApp submitted to the NPCI. A case was also filed against WhatsApp by Competition Commission of India for alleging abuse of dominant position to launch WhatsApp Pay. But उसके बाद क्या हुआ? ये CCI का जो anti trust panel होता है, उन्होंने इसको कर दिया, dismiss उन्होंने बोला कि कोई इसमें ऐसी गलत चीज़ नहीं लग रही है। It's a fair market, it's a fair competition. Players आएंगे, competition होगा, तभी तो पता चलेगा users के लिए अच्छा क्या है। तो ऐसा कोई एंटी ट्रस्ट यहाँ पे केस नहीं लगता कि इन्होंने कुछ अपना मिस uh, यूज़ किया है पोजिशन को एंड इन ऑर्डर टू की यू पी आई मार्केट इन चेक थर्टी परसेंट कैप हैज हैज्सो बीन प्लेस टू डिस अलाउ मोनापली तो हर एक जो प्रोवाइडर है वो तीस परसेंट ही कैप कर सकता है मतलब अब ऐसा नहीं है कि व्हाट्सऐप जो है वो सारे यूजर्स को ले गया अब थर्टी परसेंट का कैप लगा होगा तो फोन पे थर्टी परसेंट पेटीएम थर्टी परसेंट ठीक है इतना ज़्यादा ही ये लोग जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थर्टी परसेंट ट्रांजेक्शन अलाउड होंगे टोटल ट्रांजेक्शंस विल भी थर्टी परसेंट कैपिंग होगी इनकी ताकि कुछ लोग जो यू पी आई में यूज़ हैं पेटीएम वो शायद गूगल पे भी यूज़ करें वो चाहे तो आपका व्हाट्सएप पे भी यूज़ करें तो हर यहाँ प्रोवाइडर के लिए कैपिंग कर दी गई तीस परसेंट की विच आई थिंक इज अ गुड आइडिया बट डिपेंड्स कि लोग कितना यूज़ करते हैं अब थर्टी परसेंट कैपिंग में भी ऐसा हो सकता है कि लोग व्हाट्सअप को ज़्यादा प्रेफर करें हो सकता है ज्यादा कन्वीनियंट हो यूज़ करना रादर देन पेटीएम और गूगल पे सो so, डिपेंड्स सो अर ऐप्स लाइक फोन पे गूगल पे द मार्केट शेयर ऑफ द विच एक्सीज थर्टी परसेंट टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हैव बिन गिवन टिल टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू कम्प्लाई विद द नॉम्स तो इनको बोला है थर्टी परसेंट कैपिंग के लिए आप लोग को टाइम दिया गया कि आप लोग इस नॉम्स के लिए आप लोग जो है दो हजार तेईस तक आपको टाइम दिया गया सो इंटरेस्टिंग हो रहा है बड़ा मार्केट फोन पे जो आप कह सकते हो यू पी आई का इंडिया में बाकी नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी सो द जीएसटी लेवी ऑन मोबिलिटी एड्स प्लेस ऑफ प्रोहिबिटिव बर्डन ऑन द एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड सिटीजन टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ अब ये मेजर मुद्दा क्या है इसमें देखो क्या है कि इसमें जो मेन इशू किया गया है कि जो आपके जो मोबिलिटी डिवाइस होते हैं लाइक व्हील चेयर इन सब चीज़ों पर आपका जीएसटी लगाने की वजह से कोर्ट में केस हुआ है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भिड़े हुए हैं इस चीज को लेकर तो ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर्ड ब्रीफ आर्गूमेंट्स ऑन द कॉन्स्ट वैलिडिटी ऑफ द जीएसटी ऑन मोबिलिटी एड्स यूज बाय डिसबल सिटीजन तो निपिन मल्होत्रा वर्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये आर्ग्यूड दैट द टैक्स इंपोज ऑन दिस प्रोडक्ट्स विच इंक्लूडेड व्हील चेयर ट्राई फॉर द डिसबल ब्रेल पेपर एंड ब्रेल वॉचेस वॉज पेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि इन इनपे लगाना अब यार देखो जीएसटी आप लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक तो ऑलरेडी इंसान चैलेंज है आप उस पर इन सब चीजों पर लगाओगे सो दिस विल लीड टू फर्दर प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि uh, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसके लिए और उसके ऊपर आप टैक्स और लगा रहे हो सो इन जर्निंग द केस इट्स पटिशनर एग्जॉटर्स इज ऑप्शन बाय सबिटिंग इज ग्रीवास टू द जीएसटी काउंसिल व्हिच इज द गवर्निंग बॉडी रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग विच प्रोडक्ट आर टैक्स एंड वॉट रेट तो अब क्या इसमें टोटल uh, जो है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो आपकी जीएसटी काउंसिल की होती है जीएसटी काउंसिल इज इज द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिसाइडिंग किसपे टैक्स लगना है किस किसपे नहीं लगना है और जीएसटी काउंसिल क्या होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी मोस्टली उसमें डोमिनेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है टू थर्ड वोट शेयर जो है आपका वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है तो अब जरा इसमें टैक्स और फंडामेंटल राइट right का इक्वेशन समझवाना चाहिए पहले आप लोग को सो द नेचर एंड द रेट ऑफ टैक्स इंपोज ऑन अ प्रोडक्ट कैन इम्पाइन बोथ अ पर्सन फ्रीडम एंड पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड विद इक्वल केयर एंड कंसर्न इट ऑट टू बी वेल विदिन एन इंडिपेंडेंट जुडिश द टॉप कोर्ट इन कनाडा एंड कोलम्बिया मगदर्स हैव रिसेंटी वेदर और नॉट एन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स वायलेट्स द फंडामेंटल राइट तो ये बोला जा रहा है बेसिकली ये केस फाइल किया गया था कोर्ट में कि जो टैक्स लगाया गया मोबिलिटी आइटम्स पे ठीक है ये वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट क्योंकि ये राइट टू लाइफ ठीक है पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन के भी खिलाफ है बिकॉज अगर आप टैक्स लगाओगे तो वो प्रॉपरली नहीं रह सकते क्यों नहीं रह सकते क्योंकि उनके लिए मेन सोर्स तो यही है चलने के लिए व्हील चेयर हो गए या मतलब एक तरीके का सोर्स जो है जिससे वो लोग कम्यूट करते हैं ट्रैवल करते हैं अगर उस पर ही आप टैक्स लगा दोगे आप एक्सपेंसिव बना दोगे आउट ऑफ रीच कर दोगे तो इट इस अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन ठीक है एंड इट्स ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटरी डिस्क्रिमिनेटरी भी है वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन भी है इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट आर्टिकल नाइनटीन मैं आपको खुद ही बता देता हूँ आर्टिकल नाइनटीन भी है बिकॉज राइट टू लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है अब एक इंसान जो व्हील चेयर पर चलता है वो चल ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने उसकी जो, जो व्हील चेयर उतनी ज़्यादा टैक्स कर दिया है तो वो बेचारा काम कैसे करेगा तो काम भी नहीं कर पाएगा तो वो तो उसकी राइट टू लाइवलीहुड भी जा रही है ठीक है ही कैन नॉट कैरी आउट एनी टास्क तो 19 भी वायलेट हो रहा है 21 भी वायलेट हो रहा है डिस्क्रिमिनेटरी भी है 15 भी वायलेट हो रहा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 21 सो so, अब इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी एक चीज़ हो सकती है कि भाई कुछ जो गुड्स हैं दे आर एजेटेड फ्रॉम इज अ मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी कोड रिक्वायर्स सच अ क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल इन द इन द केस ऑफ मोबिलिटी एड द अप्रेसिव नेचर ऑफ द लेवी इज एविडेंट ठीक है in the, in the aid, ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी भी वायलेट हो रहा है क्योंकि आर्टिकल फोटीन है आर्टिकल फोर्टीन भी वायलेट हो रहा है क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम आर्टिकल फोर्टीन में करते हैं ठीक है ऑन ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी आया था सो वाई दिस ऐसा आर्टिकल बोला गया कि ये जो आपका टैक्स लगाया गया इट्स अ लिटिल डिस्क्रिमिनेटरी ऑल्सो क्योंकि ये ऑप्रेसिव है जो मेन सोर्स है कम्यूट करने का जो जो सबसे ज्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो है आपकी व्हील चेयर अगर उसको आप इतना महंगा कर दोगे टैक्स लगा के तो वो आउट ऑफ रीच हो जाएगी ना अब आउट ऑफ रीच होगी तो ऑब्वियसली वो इंसान के लिए काम करना भी आउट ऑफ रीच हो गया

एंड आ फेलियर टू डिस्चार्ज दिस ओनर और टू रेंडर द लेवल लिजिटिमेंट तो अब ये सरकार को दिखाना पड़ेगा इनको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई डिड दे क्लासीफाई दिस दिस गुड एज सेपरेट उन्हें प्रूव करना पड़ेगा ना कोर्ट में जाके जब केस फाइल हुआ कि भाई उन्होंने क्या सोच के लगाया इस पर ऐसा क्या अलग था इसमें जो लगाने की जरूरत पड़गी कि इस पर हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत है अलग से ठीक है सो अब इसमें क्या देखो uh, एक दो चीज़ें जो मार्केट फोर्सेस की हैं तो जीएसटी आपको पता है वाज लॉन्च इन 2017 आफ्टर यू नो ह्यूज रकस एंड अमेंडमेंट बिल एंड ये वो विद आइडिया ऑफ नॉट ओनली सिंपलीफाइंग इंडियाज कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम क्योंकि हमने क्या बात करी थी जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स होगा सर वन नेशन वन टैक्स होगा और सब चीज़ जो है जितने भी टैक्स के सिस्टम है उनको हम लोग सिम्प्लीफाई करेंगे तो इट वॉज ऑल्सो व्यू टू फैशनिंग द कंट्री इंटू अ यूनिफाइड कॉमन मार्केट च द लेवी ऑफ जीएसटी विल सब्ज्यूम ऑलमोस्ट ऑल दी अदर एक्सटेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये क्या इट सर्स एस ए कंजन टैक्स अगर आप कंज्यूम करोगे तो जीएसटी लगेगा अगर नहीं करोगे तो नहीं लगेगा ठीक है इंडायरेक्ट you know, so टैक्स है बट इट्स फंशन यू नो फारे ट्रांसफॉर्मेटेड सो इट वॉज ओनली आफ्टर सब्सटैशल आउटकट दरिजिनली प्रपोज अठारह परसेंट टैक्स ऑन दिससेज रड फाइव परसेंट अब यहा है कंसेशनल जीएसटी रेट है बोला कि यह तो कंसेशन कर दिया हमने अट्ठारह परसेंट लगा था पहले बट अब पांच परसेंट लगेगा जस्ट से

कि मान लो कोई चीज बनाने के लिए आपने कुछ इनपुट प्रोडक्ट खरीदा वो इनपुट खरीदने में भी आपको टैक्स देना पड़ता है फिर आप वो बेचते हो तो उसमें उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो बट जो आपने खर्चा किया है इनपुट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो आप वापस क्लेम कर सकते हो जीएसटी रिफंड आता है फॉर एग्जाम्प इफ अ मैनुफैक्चर्स अ सम ऑफ हंड्रेड रुपीजी एज टैक्सेज टूवर्स द परचेज ऑफ एल्यूमिनियम दैस गोज इन टू द मेकिंग ऑफ अ व्हील चेयर एंड देन कलेक्ट अ सम ऑफ वन ट्वेंटी एज जी एस टी वन इट सेल्स द व्हील चेयर इट वुड बी एज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड वुड कॉन्सिक्वेंटली ओनली हैव टू डिपॉजिट ट्वेंटी रुपीजी टू द गवर्नमेंट अब उसमें क्या होता है सालों साल तक जीएसटी रिफंड नहीं आता बहुत, बहुत सारी जगह ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम ये भी हुए थे लास्ट टाइम कि जीएसटी एस टी रिफंड टाइम नहीं आता लोगों के पैसे फंसे रहते हैं कि उन्होंने इनपुट पर भी टैक्स दिया और बाद में जो बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं सो द स्टेट गवर्नमेंट इज दैट द स्टेट्स आर्ग्यूमेंट इज दट इन द एबसेंस ऑफ द लेवी ऑफ जी एस टी ऑन प्रोडक्ट द मैन्युफैक्चर विल भी बर्टन विद द इनपुट टैक्सेस तो उन्होंने बोला कि देखो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा जिसमें सरकार का भी पॉइंट थोड़ा वैलिड है तो या तो आप उसको चेंज करो कैसे वैलिड है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको मैं ऐसे समझाता हूं पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में गले में दर्द होने लगा भाई बॉड सीरियसली मतलब एयर फिल्टर मेरा नॉन स्टॉप काम कर रहा है पता नहीं लोग बाकी लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे लेकिन हालत खराब हो जाती है सीरियसली इमेजिन दैट कोविड एंड पोल्यूशन टुगेदर अब जो मैन्युफैक्चरर है सर ठीक है मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसने क्या किया उसने टैक्स पे किया इनपुट लेने में क्योंकि उसे व्हील बनाना है ठीक है अब उसने व्हील बनाया कि नहीं बनाया अब व्हील उसने बनाया फाइनल प्रोडक्ट है उसका लेकिन उसने मान लो अट्ठारह परसेंट टैक्स दिया व्हील बनाने में किस पे एल्यूमिनियम खरीदा उसने उसने तो दे दिया टैक्स अब उसको कैसे फायदा मिलेगा इसका जब उसकी व्हील चेयर बिकेगी जब बिकेगी नहीं तो कैसे होगा और जब बिकेगी और उस उसपे कोई जो खरीदने वाले पे टैक्स नहीं लगेगा जो उन्होंने बोला कि हम फाइव परसेंट लगाएंगे तो ये सारा टैक्स का बर्डन जो है मैन्युफैक्चर पे आ जाएगा क्योंकि जब ये बिकेगी और पांच परसेंट जो है कंज्यूमर या जो कस्टमर देगा जीएसटी तो वो इससे बैलेंस आउट किया जाएगा कि चलो ठीक है पूरा तो पूरा नहीं मिला बट पांच तो मिल जाएगा इनपुट मैनुफैक्चर को समझ में आया ये लॉजिक है तो सरकार का ये गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि हम जो ऐसे करेंगे तो इनपुट टैक्स का जो पूरा जो जो बर्डन है वो मैन्युफैक्चर के पास आ जाएगा क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड है जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक टैक्स लगेगा नहीं अब इसने खरीदा एल्यूमिनियम किसके लिए बनाने के लिए और उसने बेचा बेचने पर तो कोई टैक्स नहीं है लेकिन अब कोई खरीदेगा तो जब तक वो उस पर टैक्स नहीं देगा तो इसको कैसे इनपुट मिलेगा दैट्स अ पॉइंट ठीक है तो ये चीज़ सरकार बोल रही है कि हमारा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अब पार्लियामेंट ने बोला कि भाई क्या करें इसमें तो आर्गूमेंट सफर फ्रॉम टू फेल अब इसमें जो आर्टिकल के राइटर हैं वो बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो, उन्होंने बोला इसमें दो दिक्कत वाली बात है क्या है पहले जीएसटी काउंसिल शो दट द मिनी अदर प्रोडक्ट्स दट आर एसेंशियल टू ह्यूमन इज टैक्स इन जुलाई ट्वेंटी एटीन फॉलोइंग सस्टेन कैंपेन द लेवी इम्पोज ऑन फीमेल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट पैड्स पेट वीमूड एंड द ग्रांट ऑफ एन एजाम इन सच केस एज दीज वुड वु डिस एंटाइटल मैनुफेक्चर्स फ्राम कलेम इनपुट टैक्स अ मैटर ऑफ लेजिलेटव डिजाइन आप देखो दो तरीके हैं या तो आप लॉ को इस हिसाब से बनाओ कि जो मैनुफैक्चर हो उसके लिए भी फायदा हो और दूसरा अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है बट खरीदने पर जीएसटी नहीं लगता फॉर एग्जाम्पल वुमेन सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पोन्स तो ये लॉजिक तो सही नहीं है कि जब आप बोलो कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा और उसके लिए बर्डन आ जाएगा तो ये क्या है इट इज़ अ मैटर ऑफ पुअर लेजिसलेटिव डिजाइन आपने प्रॉपर लॉ नहीं बनाया तो द गवर्नमेंट कोट एक्जैम द फर्म फ्राम पेंग टैक्सेस ऑन इनपुट ऑन दंडीशन दट सच इनपुट विल भी यूज टू मानुफेक्चर मोबिलिटी एट्स सिंपल लॉजिक है ना आप उन कंपनीज को जीएसटी से एग्जाम्ट कर दो उनका डेटा मंगा लो कि आपने कितने प्रोड्यूस किए कितने आपके बिके जितने आपके बिके हैं उतने पर आपका जीएसटी एग्जाम्प्ट है कितना डिफिकल्ट है अब ऑफकोर्स डेटा फजिंग होती है बहुत सारे मैनुफैक्चर्स में घपला करेंगे बट वही तो काम है ना ऑफिसर्स क्या करेंगे तो so जीएसटी के ऑफिसर्स उनका काम भी तो यही है तो ये क्या है ये इन्फोर्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रॉब्लम है और लॉ की पुअर डिजाइनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है जो सरकार के हिसाब जो जो आर्टिकल बोल रहा है कि गवर्नमेंट इज गिविंग एन एक्सक्यूज तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है हम रीजनेबल क्लासिफाई कर सकते हैं बट ये सरकार की जिम्मेदारी है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड द गवर्नमेंट टू प्रूव दैट वाई दे हैव क्लासिफाइड दिस इन द कोर्ट ये पटिशनर की जिम्मेदारी नहीं है पटिशनर तो डिमांड करेगा कि मुझे चाहिए ये सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ऐसी क्या जरूरत थी जो टैक्स लगाना पड़ा मोबिलिटी एड्स पे ठीक है तो इट इज बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ 14, 15, 19, 21 वन चारों आर्टिकल फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सबसे ज्यादा वायलेट हो रहा है ठीक है याद आया याद आ गया सबको समझ में आ गया याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तब हमारी न्यूज़ आइटम्स पे आते हैं हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ठीक है हमारे जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उन्होंने बोला है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे शिफ्टिंग ऑफ एलएसी ठीक है चीफ ऑफ जस्टिस स्टीफन टाफ जी ने बोला है कि ये आज जो चाइना क्या कर रहा है वो धीमे धीमे शिफ्ट होता चला जा रहा है एलई की तरफ सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इसकी शिफ्टिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ द साउथ बैंक ऑफ द पैंग सो लेक इन ऑगस्ट वाई द इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड सेवरल डोमिनेटिंग फीचर्स चाइना बहुत स्मार्टली हमने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था इसके बारे में वो क्या कर रहा है शिफ्ट होता चला जा रहा है तो so, अब देखो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है दिस इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स द इंडियन कंट्रोल टेरेटरी फ्रॉम चाइना और ये एल जो है बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि वो एल है एल अलग है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है एल इज़ विथ चाइना एंड दैट टू ऑन दिस सेक्टर जो अरुणाचल में है उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं तो उसको भी कंफ्यूज मत करिएगा बहुत सारे लोग कि मैकमोहन लाइन जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन है तो यहां पे एल है और उत्तराखंड पे आपके डिस्प्यूटेड बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश में थोड़े डिस्प्यूटेड बॉर्डर है सो द एलो सी इमर्ज फ्रॉम द नाइनटीन फोर्टी एट सीजफायर बिटवीन यू एन एंड कश्मीर ये पाकिस्तान वाली है इट वॉज डिजाइंड एज एल सी इन सेवेंटी टू फॉलोइंग द शिमला अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज इट इज डिलिनेटेड ऑन अ मैप साइन बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ बोद्ध आर्मीज द एल एसी इन कॉन्ट्राट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट तो रियालिटी में इस लाइन का एग्जिस्टेंस है एल ए सी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यह आपको मैं बता दूं कि एल ए सी लिटरली एग्जिस्ट नहीं करती ये सिर्फ हम मानते हैं ये एल है चाइना वाले मानते हैं एल है और क्योंकि कोई पेपर नहीं है कोई मैप नहीं है बताने के लिए एग्जैक्ट एल ए है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई एल को लेके क्लियर इंडिकेशंस नहीं है मैप में कोई मैप नहीं बनाया गया है एल मैप पे है इसलिए दिक्कत नहीं है बट फिर भी इशू तो होते रहते हैं और बाकी आपका सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे नुब्रा वैली है ले के प्ले में जिसके ऊपर इस बार प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया था सो so, इंडिया बोलती है भाई एल जो है वो थ्री फोर एट एट किलोमीटर लॉन्ग है चाइना बोलता है कि नहीं दो हजार किलोमीटर लॉन्ग है बस चाइना कह रहा सिर्फ दो हज़ार किलोमीटर लंबी है एल उनके लिए और ज्यादा बड़ा एरिया बिकॉज दे वॉन्ट टू तो कम ओवर यह। तो यही हमारे बिपिन रावत साहब बोल रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इंडिया ये इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ ना सुप्रीम कोर्ट ने रिलीव दिया है अर्नब जी को इन प्रिवेज केस मिस्टर अर्नब गोस्वामी तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ऑन फ्राइडे इशूड ऑन एंड इशूड नोटिस अगेंस्ट दी महाराष्ट्र असेंबली सेक्रेटरी फॉर ब्रो बीटिंग पब्लिक टीवी एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी अब इसमें क्या हुआ था जो महाराष्ट्र असेंबली के सेक्रेटरी उन्होंने थ्रेटन किया थ्रेटन किया था कि आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप किसी को कोर्ट जाने के लिए मतलब आप उसको धमका रहे हो कि तुम कोर्ट जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे सो अर्नब गोस्वामी सेट दैट आएल गो टू कोर्ट आई एल फाइल अ केस तो महाराष्ट्र असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने थोड़ी धमकी ओमकी दे दी अर्नब को कि आप कोर्ट जाके दिखाओ सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे ये आर्टिकल थर्टी टू वायलेशन हो रहा है उसका फंडामेंटल राइट है वो कोर्ट जाए ना जाए तुम्हें क्या लेने देना इससे

आर्टिकल वन थर्टी वन वेस्ट विद सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सो एक्शन बाय द इंडियन कोर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडियन जुडिशियल एक्टिविज्म हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है ये ठीक है जी सो सुओ मोटो कोई भी कोर्ट जो है प्रशांत भूषण केस में उन्होंने कंटेम्प्ट केस भी जो है वो सुमोटो ले लिया था यहां पे भी इन्होंने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने मोटो इसका दिया कि कैसे थ्रेटन कर दिया तो शो कॉज नोटिस दे दिया है कि वाई अ कंटेम्प शुड नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली बाकी एज यू नो डोनाल्ड ट्रंप इज हैज ऑलमोस्ट इट लॉस्ट द इलेक्शन एंड जो बाइडन इज विनिंग द यू एस इलेक्शन जितनी भी अभी तक वोटिंग आई है हम द शुड गिव क्रेडिट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई एटलीस्ट हमें एक दिन में पता चल जाता है मैक्सिमम दो दिन पता चल जाता है जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ही उसी दिन पता चल जाता है कि भाई कौन जीत रहा है यहाँ पे तो चल ही रहा है कॉम्प्लीकेटेड सिस्टम है एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा इसके ऊपर कि हाउ इज़ द यू एस यू नो इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इलेक्शन वैसे हमारे लिए जानना कोई बहुत जरूरी नहीं है यूएस के इलेक्शन के बारे में बट हो सकता है कि इंडियन इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो इंडिया के इलेक्ट्रल प्रोसेस को समझेंगे थोड़ा बेटर और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे स्टार कैंपेनर एंड क्या होता है उस पर मैं स्पेशल क्लास लूंगा सो डू वॉच आउट फॉर दैट फॉलो मी ऑन माई प्रोफाइल एंड हाउ इज़ इंडियन सिस्टम मोर एफिशियंट और लेस एफिशियंट डिपेंडिंग ऑन सर्टन फैक्टर्स क्योंकि वहाँ पर पोस्टल बैलेट्स भी हैं यहाँ पे पोस्टल बैलेट हर किसी के लिए नहीं है तो उसके एसोसिएटेड इशूज़ क्या हो सकते हैं इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं क्योंकि मेन्स में क्वेश्चन आ सकता है सो so, हम लोग विल डू अव टेक टेक अ क्लास प्रॉब्ली ऑन दिस टॉपिक वेरी सुन तो डू वॉच आउट फॉर दैट नेक्स्ट नाउ इथोपियन पी एम से क्लियर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव टू मिलिट्री ऑपरेशन तो ये क्या है ग्रैंड इथोपियन रेजिस्टेंस डैम की बात है इसको मैंने अपने मैपिंग कोर्स में कराया था तो इसको लेकर न्यूज़ में आया है सो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अहमद सेड ऑन फ्राइडे दैट द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द टिगरे हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव एज कंसर्न नाउन ओवर पॉसिबल स्लाइड इन टू वॉर टिगरे रीजन है इथियोपिया के ऊपर एक रीजन वहाँ पर टिगरे बोलते हैं उसको तो यहाँ पर ये जो है इशू चल रहा है ग्रैंड इथियोपियन रेजिस्टेंस डैम को लेकर ठीक है यहाँ पर एक डैम बनना है और वो जो डैम है वो नाइल रिवर के ऊपर बनेगा तो वो वहाँ के जो लोग हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ा वाटर की स्कारसिटी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनना था सो इथियोपिया बेगैन कंस्ट्रक्टिंग द जर्ड इन 2011 ऑन द ब्लू द्लू दैट द अक्रॉस द कंट्री आफ्टर कंप्लीशन द डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी अफ्रीका लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सो इजिप्ट हैज ऑब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड प्रपोजल लॉन्गर टाइम एंड सूडान हैज ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन द लोकेशन सो द नाइल इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सोर्स इन द रीजन सो देर आर कंसर्न दट दिस डिस्प्यूट में इवॉल्व इन टू अल फ्लजेड कॉन्फ्लिक्टिटवीन इजिप्ट एंड इथियोपिया एंड फॉर द पास्ट फोर ईयर्स ट्राई पार्टी टॉक्स बिटवीन इजिप्ट इथियोपिया सूडान हैव बीन अनेबल्ड टू रिच अग्रीमेंट सो रिसेंटली यू एस ए ने भी इसमें अपना मेडल करना चालू कर दिया तो ये जो है आप देखो यहाँ पर सूडान भी इन्वॉल्व है और ऊपर इजिप्ट भी इन्वॉल्व है क्योंकि इजिप्ट में जाती है नाइल सूडान में येरी नाइल और यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल दो नदियों का मिलन होता है सूडान में खारतून में तो तब जाके आपकी नाइल रिवर बनती है और जाननी फाइनली आउटफ्लो आउटलुक है इसका आपका इजिप्ट की तरफ वहाँ डेल्टा बनाती है यहाँ पे ऊपर तो अभी क्या दिक्कत होगी कि जो जर्ड डैम बन रहा है इसको लेके इशू चल रहा है क्योंकि इथियोपिया डैम बना रहा है तो पानी रुकेगा ऑफकोर्स तो इसको लेके सूडान का ऑब्जेक्शन है और इजिप्ट का ऑब्जेक्शन है

अतबारा करके भी एक स्ट्रीम है जो तीन नदियों के मिलन से आपकी जो है नाइल रिवर बनती है तो ये एक इशू चल रहा है और ये जो है जो जगह है टिकट टिकरी करके वहाँ पे लेके इसको डिस्प्यूट चल रहा है इनफैक्ट मैं आप लोग को इसके बारे में दिखाना भी चाहता था अच्छा दूसरी चीज़ जो है मैं आप सोच रहा था कि मैं आप लोग को दिखाऊँगा अबाउट द एल नीनो लानी कंडीशन तो मैं वो आपको दिखाता हूँ मैंने आप लोग के लिए एक जिफ्ट बना निकाल के रखा हुआ था यह मैं आप लोग को शेयर भी करूँगा तो देखो एक्चुअली एल लिनो में होता क्या है और लानीना में क्या होता है अभी एल लिनो में क्या होगा कि वार्मिंग ऑफ वाटर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कहाँ पे ठीक है नॉर्मल कंडीशन है एल लिनो में क्या होता है कि आपका ये वाला पानी जो है इधर गर्म होना चालू हो जाता है और लानिना में उल्टा होता है लानिना में इधर वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक वाला और इंडिया के साउथ साउथर्स्ट मानसून को वो हेल्प करता है ठीक है तो ये इसको हम वॉकर सेल सर्कुलेशन भी बोलते हैं एनीवे anyway, वे तो आगे बढ़ते हैं नाउ हरियाणा हैज क्लेर्ड बिल ऑन द राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर अब ये क्या बताता है ये एग्जाम्पल एक तरीके के डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तो अमेंडमेंट बिल लाया गया हरियाणा असेंबली ने पास किया बिल विच प्रोवाइड फॉर द राइट टू रिकॉल मेंबर ऑफ पंचायत टू दोज हु इलेक्टेड एंड गिवस दुम फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन इन द रूरल बॉडीज तो पंचायती राज हमारा सेवेंटी थर्ड ठीक है एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट है ठीक है शेड्यूल इलेवन शेड्यूल्व तो ये क्या है हमारे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है अब इसमें क्यों ऐसा किया गया कि मान लो कोई भी आपका पंचायत मेंबर काम नहीं करता है उसको वापस बुला लिया जाएगा सो द बिल अलाउज द रिकॉल ऑफ द विलेज सरपंच एंड मेंबर ऑफ द ब्लॉक लेवल पंचायत समितिज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इफ दे फेल टू परफॉर्म तो ये जो है आपका एम में भी है और बहुत सारे स्टेट्स में चालू किया गया तो हरियाणा इज ऑल्सो डन दैट तो इसमें दो चीजें होंगी एक तो फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन किया जाएगा और दूसरा अगर कोई पंचायत मेंबर काम नहीं करता है उसको वापस बुला लिया जाएगा अब ये हमारे एम पी के साथ नहीं होता बहुत सारे कंट्रीज में ये होता है डायरेक्ट स्वीडन हो गया स्विट्जरलैंड हो गया वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके लेजिस्लेटर्स काम नहीं पाते, कर पाते प्रॉपरली उनको रिकॉल कर लिया जाता है कि भाई आ जाओ आप आपसे आप काम नहीं हो रहा आप किसी और को जाएंगे भेजेंगे सो अमेंडमेंट इज इंक्रीजिंग दर अकाउंटेबिलिटी टू द वोटर मिस्टर चौटाला सेट यू नो सेट टू रिकॉल अ सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ द टू बॉडीज 50 परसेंट ऑफ अ वार्ड और अ ग्राम सभा हैड टू गिव इन राइटिंग तो अगर 50 परसेंट से ज़्यादा लोग जो है वहाँ के उनके वार्ड के अगर वोट करते हैं राइटिंग में लिख के देते हैं कि हमें वापस बुला लो हमें नहीं इनका काम अच्छा लग रहा तो उनको उसके बाद एक सीक्रेट बैलेट होगा जिसमें रिकॉल किया जाएगा उसमें टू थर्ड मेम्बर्स को वोट करना पड़ेगा फेवर में उनको रिकॉल करने के लिए और उसके अलावा विमेन पार्टिसिपेशन को 50 परसेंट रिजर्वेशन देने के लिए किया जाएगा इन ग्राम पंचायत पंचायत समिति इन जिला परिषद दैट इज़ एट द व विज लेवल ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सो द बिल आल्सो अलाउज द रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड द मोर डिसएडवांटेज अमॉंग द ग्रुप अब देखो मैंने ये आप पंचायती राज में पढ़ोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी में जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा कि एस का और एस का रिजर्वेशन होता है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन बट ओ का रिजर्वेशन नहीं होता ओ के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे थ्रू लेजिस्लेटिव असम्बली वो रिजर्वेशन दे सकती है इन पंचायत तो वही यहाँ पर किया गया है बाई दी दी अमेंडमेंट बिल और वेमेन का वन थर्ड रिजर्वेशन भी होता है यहाँ पर इन्होंने उसको फिफ्टी परसेंट कर दिया ये उनके ऊपर है ठीक <önemli> है क्लियर है सबको उसके अलावा फाइनेंस पैनल ने वॉन किया राइजिंग राइजिंग जीएसटी ड्यूज फॉर स्टेट सो फाइनेंस पैनल पैनल हैज सेड दैट द गैप कुड बिलूंग टू सेवन लाख करोड़ तो फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना जरूरी है आर्टिकल 280 एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर आप बैकग्राउंड देखोगे प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इट इज अ ऑफ जुडिशियल बॉडी क्योंकि किसी भी रिपोर्ट को समन कर सकती है किसी को भी बुला सकती है अपनी रिपोर्ट प्रेट करने के लिए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर पांच साल और एट एनी टाइम अर्लियर एज ही कंडर्स नेसेसरी इसमें एक चेयरमैन होते हैं और चार मेंबर्स होते हैं अदर मेंबर्स अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट से होता है बट क्वालिफिकेशन जो आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया गया है फंक्शन क्या है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीज टैक्सेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पैसा जाएगा कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था प्रोसीड्स कितना जाता है एंड द प्रिंसिपल शुड वन द नीड टू बी गिवन टू द स्टेट एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेजिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस ये क्या करती है बाद में अपनी रिपोर्ट जो आप देखोगे इस बार का फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा तो फाइनेंस कमीशन ये बोल रहा है कि भाई जो गैप है बिटवीन जीएसटी सेस कलेक्शन एंड द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस बाय द स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि जीएसटी कॉम्पनसेशन जो होता था वो सरकार दे देती थी इस बार दिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इससे क्या हो गया उसके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टेट्स को अपने रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए सो द कमीशन विच फाइनलाइज इस रिपोर्ट प्रपोजिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ शेयरिंग रेवेन्यूज उन्होंने बताया कि ये बहुत ही कंसर्निंग है क्योंकि लगभग सात लाख करोड़ तक जा सकता है दो हजार में अगर आप देखोगे जो गैप है बिटवीन द कॉम्पनसेशन जितना इनको मिलना चाहिए था और इनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो हो रहा है तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया बोरो कर लो से देन डी आई एम आई सी जो है इनको बून मिलने वाला है फिर राजस्थान सो इन्वेस्टमेंट जोन लॉन्ग द कॉरिडोर टू बी एक्सपर्टाइटेड हमारे राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट है सो डेली मुंबई मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है विच इज अ मेजर पोर्शन ऑफ विच विल पास थ्रू राजस्थान यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है तो so यहाँ पे भिवाड़ी जो है टाउनशिप वहाँ पे उस पर फोकस किया जाएगा सो so डीएमआई सी के बारे में जाना जरूरी है तो so यहाँ से चालू होगा दादरी ठीक है इट्स नियर नोएडा दादरी से लेके आपका ये जे पोर्ट ठीक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा एंड बीच में मेजर मेजर स्टेट से जाता है सो रेवड़ रेवड़ी होते हुए फुलेरा देन बालनपुर एंड देन गुजरात एंड देन गोइंग थ्रू महाराष्ट्र तो ये जो है वहाँ पे आसपास जितने भी एरिया हैं ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ पे ये आसपास इट विल लीड टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स ऐसा होप किया गया उसके अलावा दिल्ली मुंबई जो है पैसेंजर रेल लिंक है ये ब्लैक कलर में आपकी जो इसको ये भी ज्वाइन करती है यहाँ पर और ये डी का अलाइनमेंट है जो रेड में जा रहा है नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया है रिगार्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जो रेगुलेशन, जो रेगुलेशन, जो रेगुलेशन जोन है उसमें मरादू केस था आपको पता होगा जो बिल्डिंग गिरा दी गई थी केरला में सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टॉप शॉर्ट ऑफ पुटिंग द बिल्डर्स ऑफ डेमोलिशन इनलीगल हाई राइज मार्डू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन कोची ऑन ए टू वीक डेड लाइन टू प्रोवाइड अ कंक्रीट प्लान टू कॉम्पनसेट द रेजिडेंस तो अब जो बेचारे जिन लोगों ने घर खरीदा था उनका तो घर चला गया तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है बिल्डर ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और उन्होंने बोला या फिर क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर वो नहीं करते तो जो बिल्डर है उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी और प्रॉपर्टी अटैच कर कर करके बेचने के बाद उससे जो पैसा मिलेगा उससे जो है आपके जो जो जो, जो लोग हैं कस्टमर्स हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा तो ये क्यो, क्यों क्यों न्यूज़ में आया था क्योंकि वो बिल्डिंग गिरा दी गई थी यू नो गिरा दी गई थी कोची में और वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही थी तो सी आर जेड रूल जो होते हैं वो अलग अलग जो है क्लासीफाई करते हैं आपके एरियाज को जैसे ये हो गया सी आर जेड वन टू थ्री फोर तो सी आर जेड वन में क्या होता है दीज आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज दिस आर असेंशल टू मेंटेनिंग द इको सिस्टम आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि सी आरजेड वन में क्या होता है सीआरजेट टू में क्या होता है सीआरजेड थ्री क्या है फोर क्या है ठीक है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट आर परमिटेड इन दिस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है सेंसिटिव एरिया में सी आरजेड वन जो होता है आपका यहाँ पे आप देखोगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड है क्योंकि यहाँ पे आपके सेंसिटिव एरिया है यहाँ इकोलॉजिकल इकोलॉजिकली सेंसिटिव है स्पीशीज हैम्बर हो सकते हैं बट नेचुरल गैस एंड सॉल्ट आर परमिटेड सी आर जेड वन सी आर जेड टू में बोला है दैट डीज आर द एरियाज और अर्बन एरियाज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया अंडर दिस ट्वेंटी एटीन में नया नोटिफिकेशन आया था तो ये इसलिए किया गया यहां पे सी आर जेड टू में कि इन्होंने पहले फ्लोर एरिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा था कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते रेस्टोरेंट्स का ज्यादा या फिर कुछ बिल्डिंग नहीं बना सकते तो उसको क्या कर दिया डी फ्रीज कर दिया तो अब क्या सी आर जेड टू में जो आपका थोड़ा पीछे पड़ता है जैसे सी आर जेड टू ये हो गया इंटीरियर में फ्रॉम द कोस्ट लाइन वहाँ पे आप बना सकते हो रेस्टोरेंट्स या आप हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई चीज़ें बना सकते हो तो उससे क्या होगा थोड़ा बिजनेस को भी थोड़ा फ़ायदा होगा टूरिज्म सेक्टर को फ़ायदा होगा सी आर जेड थ्री को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है रूरल एंड अर्बन में तो रूरल वाले एरिया में थोड़ा जो है उन्होंने स्कोप ज़्यादा दिया है अर्बन एरिया में थोड़ा स्कोप कम कर दिया है और बाकी सी आर जेड फोर जो है इट लाइज इन द एक्वेटिक एरिया अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स सो सी आर जेड फोर भी जो है यहाँ पर फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़ अलाउड बट कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता उसके अलावा आइलैंड के लिए भी एक लिमिट लगी रहती है कि हाई टाइड लाइन से 20 मीटर तक कुछ नहीं बन पाएगा सिमिलरली 50 टू 100 मीटर तक यहाँ पे आपके नॉर्मल सी आर जेड में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता तो सी आर रूल्स को लेके मेरी एक स्पेशल क्लास है आप लोग चाहे तो देख सकते हैं मेरी नीचे ना स्पेशल क्लास दी हुई है आप जाना मेरे प्रोफाइल में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है सी आर पुराने में और नए में क्या इशू था नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्रोफाइल दी हुई है सो गो टू द प्रोफाइल एंड जस्ट चेक इन स्पेशल क्लासेज सेक्शन सी रूल्स न्यू सी आरज नॉर्म्स उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सी आर जेड रूल का वायलेशन कैसे होता है और क्यों होता है सो so पुराने और नए सी आर जेड में क्या डिफरेंस है ठीक है उसके अलावा वायरस इंश्योरेंस फॉर स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व तो जो पक्के और पकुई टाइगर रिजर्व है ये प्रिलिम्स में दो बार पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में हैज बिकम द फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन फॉर ग्रीन सोल्जर्स तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके जितने भी जो फॉरेस्ट ऑफिशल्स हैं आ, उनको हर किसी को इंश्योरेंस कवर दिया गया है कोविड नाइन्टीन के खिलाफ आ, इन पक टाइगर रिजर्व तो ये एक वेलकम मूव है तो वायरस इंश्योरेंस अगेंस्ट स्टाफ ऑफ टाइगर बिकॉज दे आर वर्किंग इन वेरी यू नो कह सकते हो वेरी स्ट्रिक कंडीशन एंड वेरी हार्श कंडीशन तो दिस इज लाइक अ मोटिवेटर फॉर दैम बाकी लास्ट न्यूज़ जो है वो कैपलेस स्प्रेसक्राफ्ट को लेके है सो इट वॉज लॉन्च कैपलसाफ्ट का जो मिशन है वो अर्थ लाइक like प्लान को डिस्कवर करने के लिए लॉन्च किया गया था तो वो उसके हिसाब से जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके हिसाब से डेटा ये आया है कि लगभग देर आर थ्री हंड्रेड मिलियन मोर लाइकली दैट आर सिमिलर टू अर्थ अर्थ के जैसे तीन सौ मिलियन और भी प्लानट्स हैं सो ये जो दो हजार नौ में लॉन्च किया गया था थ्री एंड हाफ ईयर मिशन टू मॉनिटर वन लाइफ फिफ्टी थाउजेंड स्टार्स इट लुक फॉर टाइनी टाइम इंड टिप्स इन दाइट कॉस बाइ एक्ट पासिंग इन फ्रंट ऑफ द होम स्टार तो इट इज होम द मिशन वॉज लॉन्च इन मार्च टू थाउजेंड नाइन

जहाँ पे टेम्परेचर जस्ट राइट होता है फॉर लाइफ ना इधर टू वॉर्म नॉट टू कोल्ड तो उसके बेसिस पे इसने कैलकुलेट किया कि बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आपके जो अर्थ लाइक -like हो सकते हैं so estimate, Way, -like. planets, as well as सो अकॉर्डिंग टू नासाज एस्टिमेट देर एटलीस्ट हंड्रेड बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे ऑफ विच अबाउट फोर बिलियन आर सन लाइक इफ ओनली सेवन परसेंट ऑफ दी स्टार्स हैबिटेबल प्लान दे कु थ्री हंड्रेड मिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल अर्थस आउट हेयर इन द होल मिल्की वे हमारी गैलेक्सी में लगभग तीन सौ मिलियन औरट हो सकते हैं ठीक है चलिए तो ये मेरी प्रोफाइल है इसके बारे में आप नीचे मेरी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं और ये एक कोर्सेज हमारे चल रहे हैं पॉलिटी को सो तो ये आप 9 पी पे क्लास है बाकी सोसाइटीज एट 3 पी सो यू कैन फॉलो दीज एंड गवर्नेंस इज एट 12 पी बाकी टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड डी फाइटी आपको यहाँ पर टेन डिस्काउंट मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम एजुकेटर्स प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर मॉड्यूल और अब तो बिल्कुल टीम जो है प्रॉपर आपको करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर रही है तो इन सब एडवांटेज के लिए डू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस आप कोड यूज़ कर सकते हैं डी पाई बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से कल कल नहीं मतलब बेसिकली परसों आप क्योंकि संडे संडे को अनालिस होता नहीं है तो मैं मिलूंगा मंडे को अब आप लोग से नौ तारीख को नाइन्थ नवम्बर को आप लोगों से मिलूंगा और हम लोग संडे का भी जो न्यूज़ आता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे नाइन्थ को जिसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं एंड इफ़ यू शेयर the video please do not forget to like and subscribe the channel and do like the video take care thank you so much everyone for tuning in i'll see you in the other plus classes for today thank you guys bye bye take care